सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आते होंगे। आज के सीट्रिक के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा जो भी वॉइस मैसेज हमें व्हाट्सएप के जरिए आते हैं उनको टेक्स्ट मैसेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस ट्रिक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रांसक्राइबर। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें उसको ओपन करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, लैंग्वेज इन यूज पर क्लिक कर देंगे। अगर हमारा जो भी वॉइस मैसेज है वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर देना। अगर जो भी वॉइस मैसेज है हिंदी में है तो हिंदी में क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्सेशन क्वालिटी में मिड पर रख सकते हैं। मीडियम पर रखने के बाद इसको हमें कैंसिल करना होगा। उसके बाद हम अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद जो भी हमें वॉइस मैसेज आएंगे उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम ट्रांसक्राइबर को ओपन करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो भी हमारा रिकॉर्डिंग है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा हिंदी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया है कि कैसे हो आप सब लोग। उसी तरह से मैं ये नीचे वाला जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी ट्रांसलेट कर लेता हूँ। शेयर करना होगा। उसके बाद हमें ट्रांसक्राइबर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक दो सेकंड के अंदर ट्रांसलेट कर लेगा कि जो भी हमारा वॉइस मैसेज है उसको। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने फेसबुक पेज भी बनाया है, वहाँ पर जाकर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।